मैडम, मेरा पहला ऑर्डर है, प्लीज़ रेटिंग कर देना। फुटेज यूट्यूब की है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आर्मी वाले गांड पर लात मारा है ना कि वे धमकाते। हेलो एंड वेलकम बैक आप सभी दोस्तों को। तो आज हम अपनी फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग करेंगे, साथ में आपको स्विगी लाइफ क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपसे अनुरोध है, पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ कैमरे पर, एक्शन माउंट कैमरे पर, तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आपके उससे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह से उसका एंगल रखना या कितना कैप्चर आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, पहले ही। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं 6 महीने बाद दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो दोबारा से आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैं आपको स्विगी लाइफ क्या होती है, फुल डे में कितना कमा पाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम आ चुके हैं अपने एक्शन कैम पर। मैंने इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर रखी, शायद आपको साफ ना चमके, क्योंकि अभी तो ठीक है लेकिन जैसे शाम होते चली जाएगी ना तो ये बहुत ज़्यादा आंखों में चुभता है, ठीक है ना। ये हमारा स्कूटर को ऑन ऑफ करने का स्विच, यहाँ पे हमने कंसोल कर रखा और स्विगी की हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, इधर देख सकते हो चल रही है। अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है फिलहाल, बाज़ार चलते हैं, मार्केट में देखते हैं क्या ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता। वैसे आज मंडे का दिन है, मंडे के दिन ऑर्डर बहुत कम होते हैं, क्योंकि संडे में मोस्टली लोग बाग घर रहते हैं, तो संडे के दिन अच्छी ऑर्डर मिलते हैं, जिस कारण वे अपना खाना घर पे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मंडे के दिन सब कोई नॉर्मल रेस्ट, यानी कि ऑर्डर बिल्कुल नासमान हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे चलता है अपना दिन की जर्नी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक ज़रूर करना। बहुत से लोगों को डाउट ये भी होता है कि ये ओला जो मैं चला रहा हूँ ये मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनी किसी को भी कोई भी व्हीकल प्रोवाइड नहीं करती, ये खुद से लेनी पड़ती है। ये मैंने खुद ने लिया है अपने आप से, 1,56,000 रुपये का, ठीक है ना, जो कि मैंने अराउंड चला दिया है लगभग 8,000 के लमसम, 7,800 समथिंग के आसपास चला दिया। और मैं इसका ओनरशिप रिव्यू भी लेकर आने वाला हूँ, कितना अच्छा है कितना बुरा है उसे बिल्कुल देखना मत भूलना, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो हम बेगमपुर चौराहे पर आ चुके हैं, टैंक चौराहा है जिसे बोलते हैं, पाकिस्तानी टैंक सामने रखा हुआ है, G20 सम्मेलन बोर्ड लगा हुआ है। और इधर देख सकते हो हम कैंट की ओर वो चल दिए, फिलहाल ऊपर चलाने की बारी, क्योंकि आगे जाम की स्थिति। अब ये वाला रोड भी बहुत ज़्यादा चलने लगे जब से हमारे मेरठ के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना रेलवे का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोड चलने लग गया। फ्रंट रोड बंद कर दी तो हम भैया साइड में को आगे तो निकल गया, तो अपना देख सकते हो 40 की स्पीड मेंटेन किए हुए हैं। इतना ही बहुत होता है, हमें इससे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है 40 से ज़्यादा की स्विगी के अंदर। भाई ब्रेक मार लो यार, ऑटो वालों तुम्हारे तो ब्रेक भी बहुत कम लगे हैं। तो अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ स्विगी राइडरों से, जो कि भयंकर लेवल के झुंड में खड़े हुए मिलेंगे आपको। फिलहाल जल्दी से लोकेशन में पहुँचते हैं अपनी, ठीक है ना। आईडी हमारी अभी भी चालू है, देख सकते हो कोई ऑर्डर नहीं मिला अभी तो। आज मंडे है, आज की तो स्थिति मुझे पता ही है कुछ ऐसी सी रहने वाली है, कोई बात नहीं। आज की अगर बात करता हूँ, पहला ऑर्डर मेरा बच चुका है और कैंसिल भी हो गया ऑटोमेटिकली। फिफ्टी 53 का पता था पहला ऑर्डर, वही कैंसिल हो गया। मम्मी का फ़ोन आ रहा, बात कर लेते हैं। यार बहुत बुरा हुआ, पहला ऑर्डर मिला था 53 का, काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर माना जाता है 53 का स्विगी के एप्लीकेशन के अंदर। 1 घंटा 46 मिनट हो गई मेरी आईडी को ओपन हुए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। एक मिला भी था वही कैंसिल हो गया। अभी हम हीरा पर पहुंच चुके हैं, जो मेरठ की ऑर्डर देने वाली शान है, इस ज़्यादा ऑर्डर किसी के भी नहीं थे पूरे मेरठ के अंदर। और फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर आप झुंड राइडरों का, भी राइडर से मिलते हैं स्पेशल। ये हमारे राइडरों की
ट्रॉली है, जितने भी यहाँ बैठे सारे राइडर हैं, स्विगी के कुछ जोमेटो की भी है इनमें। पहला ऑर्डर बच्चों का है दोस्तों, अमन स्वीट से 37 रुपये का। रेडी रखा हमारा, फूड इज रेडी, पिकअप करना थापर नगर गली नंबर 7 में। चलो चलते हैं सीधा और वहाँ से अपना पिकअप करते हैं। जब हमें किसी रेस्टोरेंट का या एड्रेस का नहीं पता होता तो हम नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा एक्यूरेट हमें 90% लेकर चला जाता है। फिलहाल अमन पर चलते हैं। दोबारा से कॉल करते हैं। मैडम गली नंबर 7 के बाहर खड़ा हूँ। हाँ आप पीछे ही खड़े थे। ओके अपना ऑर्डर को डिलीवर मार देते हैं। मैडम मेरा पहला ऑर्डर है, प्लीज़ रेटिंग कर देना। फुटेज यूट्यूब की है कोई दिक्कत तो नहीं है? यूट्यूब के लिए फुटेज है कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके थैंक यू। पूछ लेना बेहतर होता है, किसी भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। बैक की फुटेज लेनी है एक बार, उसके बाद हमारी आईडी कंटिन्यू होएगी। हाँ आईडी वेरीफाइड होगी, हमारा ऑर्डर पूर्ण रूप से होगी। अब देखते हैं पास में कौन कौन सा हमारा रेस्टोरेंट्स है। सेफ रोम्स भी जा रहा अभी, तो थोड़ा बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ऑर्डर मुश्किल से ही बजेगा फिर, जब एक ही रेस्टोरेंट कवर कर रहा है एप्लीकेशन। फिलहाल बैठ लेते हैं स्कूटर पे और अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारा दूसरा ऑर्डर बच चुका है, देख सकते हो इसमें 46 रुपये मुझे मिलेंगे जाने के और 15 रुपये मिलेंगे मेरी ग्रेजुएटी यानी कि वहाँ पर वेट करने के। ये पिंकी छोले भटूरे वाले की है, जो कि लाल कुर्ती मेन शॉप है इनकी। इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस खोल लिया पूरे मेरठ के अंदर। फिलहाल चलते हैं पिंकी वाले से पिकअप करते हैं और अपने ऑर्डर को लेने के बाद डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। और ये पिंकी छोले भटूरे जो है ना, मेरठ में सबसे ज़्यादा नामी और पॉपुलर फूड स्टॉल वाले बंदे हैं, ठीक है ना, जो कि इनका रेस्टोरेंट 50 रुपीज़ के अंदर छोले भटूरे देता है टॉप क्लास के। और एक 50 रुपये की प्लेट में आप पूरे इतने फुल हो जाओगे शाम तक भी शायद आपको ज़रूरत ना पड़े कुछ भी खाने की। और वो भी क्वालिटी एक नंबर, छोले तो आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार अगेन एंड अगेन भर भर के जाते रहते हैं। तो ज़बरदस्त, आइए फटाफट पिकअप करते हैं अपने। तो ये अपनी मेन शॉप है इनकी, एक शॉप इनकी पीछे गई है, मेन तो वो है, उधर देख सकते हो उधर भी है। आइए पिकअप कर लेते हैं अपना ऑर्डर, पहले रीच करते हैं कंफर्म। हम जल्दी पहुंच चुके, दो छोले भटूरे के, 600 ml कोल्ड ड्रिंक, 2 गुलाब जामुन। भैया एक बार ऑर्डर बोल दियो। भैया ऑर्डर देखना, ठीक है, 2 कॉम्बो 1600। कॉम्बो का मतलब हो गया 2 रसगुल्ले 2 छोले भटूरे की प्लेट, 1600 ml की कोल्ड ड्रिंक है। हाँ इधर देख सकते हो, 1 मिनट हमारा कंपनी पर चढ़ गया, यानी कि 1 रुपया बनता है, पर कंपनी दे ना दे पता नहीं। और हमारा 2 छोले भटूरे आ गया, 600 कोल्ड ड्रिंक आ गई 600। ये अपना लाल कुर्ती बाजार है लेडीज़ों के लिए, ये
हमारे मेरठ की जन्नत समझो, ठीक है ना। और आज मंडे का दिन है तो आज के दिन बाज़ार बंद रहता है। बंद होने के कारण जब भीड़ देख सकते हो आपके सामने है। अगर ये संडे का दिन होता तो मैं इधर को बाइक निकालने की कोशिश भी नहीं करता, निकालना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। क्योंकि ये 300 मीटर का पैच है जो कि आपको लगभग 3 किलोमीटर का समय भी ले जाता है, कभी कभी 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा का समय, ठीक है ना। मैं आपको पूरा ये लाल कुर्ती बाज़ार दिखाऊंगा, इसमें देखना जेंट्स कितने दिखते हैं आपको और लेडीज़ कितनी दिखती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। देख सकते हो इधर की क्या चीज़ लगी हुई है, इससे आप पहचान सकते हो ये बाज़ार किन का है, ठीक है ना। ओला चला रहे हैं और स्विगी का काम कर रहे हैं और देखना पता नहीं क्या क्या पड़ रहा है। खैर यही तो लाइफ है, लाइफ इज गॉन। अभी तक आपने देखा इसमें जेंट्स कितने दिखाई दिए, लेडीज़ कितनी है। ये आज ऑफ है मंडे के दिन, तो हाल ये है। यहाँ पे देखो जब हम पेट्रोल की बाइक चलाते थे यहाँ को तो हमें बड़ा ज़ोर पड़ता था, क्योंकि गाड़ी तो पेट्रोल लगातार पीती रहती है, जाम में आप खड़े रहो या ना रहो। लेकिन इलेक्ट्रिक का ये फ़ायदा है, आप खड़े होगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है, कितनी देर भी रखो खड़े। लेकिन हाँ, इसमें हमारा एक कारण हो रहा है, स्विगी के अंदर आपको टाइम से काम करना होता है, तो टाइम से काम करने के कारण ये आपके अगर लेट जाते हो तो आप पे पेनल्टी लगती है। तो हम इधर को आने के इसलिए नहीं सोचते इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी, नहीं तो हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान सिर्फ कंपनी की ओर से है। वो हमारी पेनल्टी लगाएगी और पेनल्टी लगाएगी तो हमारा जितना का ऑर्डर होगा उसे कट कर देगी। कभी कभी तो एक्स्ट्रा में भी कर देती है, 30 का ऑर्डर है और फिर भी 35 काट लेगी, 36 काट लेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कोई भी मालिक हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वो अपने एम्प्लॉय का नुकसान ज़्यादा करते हैं, ना कि उनका बेनिफिट इतना करते हैं। अगर हमारे समय चढ़ाने की बात होगी तो हमारे 10 मिनट का भी कुछ नहीं कंपनी की नज़रों में, और उनके 2 मिनट भी अगर हमारी तरफ को आ गए तो उसमें हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, नुकसान करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा रीज़न है प्राइवेट कंपनी से बचने का मोस्टली। बिल्कुल लाइव दिखाऊँगा, ठीक है ना, कोई भी आपको झोल या झूठ नहीं बोलने का, कितने बनते इतने नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो भी बंदा पैसे कमाने के लिए स्विगी या जोमेटो में आना चाहता है तो भाई आप फंसने वाले हो, बहुत तगड़े वाले, ठीक है ना। चलिए हम अपनी राइड को पूरी कंप्लीट करने के बाद सीधा मिलेंगे आपको डेस्टिनेशन पे, जब हम इसकी डिलीवर देंगे। ओला भैया, प्रो है या वैसा है? प्रो भैया, टॉप मॉडल। रीच कर लेते अपनी लोकेशन को और भैया का ऑर्डर दे देते। भैया नाम बता दोगे? विकास, विकास सही नाम है। डिलीवर्ड लो भैया, कोल्ड ड्रिंक लेके जाओ अपने। वो गुलाब जामुन भी थे क्या भैया? इसमें ही है अंदर। अच्छा भैया, पहला ऑर्डर है, प्लीज़ आज का तो रेटिंग कर देना। ओके थैंक यू। 15 मिनट चल रही है हमारे, ये हमें रिटर्न जोन जाने के लिए 15 मिनट 15 रुपये मिलेंगे, 10 मिनट चल रही है, इतना हम वेट करते हैं अपना। देखो 27 सेकेंड, 26, 25, 24, इसे पूरी होती है हमारे 15 रुपये मिल जाएंगे और हम यहाँ से अपने जोन की तरफ बढ़ लेंगे। देख सको 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, ये मिल गए पहले 5-7 सेकेंड पहले दे दिए कंपनी। ये हमें इसलिए वेट कराया जाता है जब हम जोन से बाहर चले जाते हैं कि कंपनी हमको ऑर्डर देगी। यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता तो ये हमारे 15 रुपये ख़त्म हो जाते हैं, नहीं कैंसिल। चाहे हमें 20 का ऑर्डर मिलता तो कंपनी हमारे 15 रुपये काट लेती। लेकिन अभी हमने पूरा वेट दिया और कंपनी को यहाँ कोई हमें ऑर्डर नहीं दे पाई, तो अब हम अपना चलते हैं। हमें 15 रुपये मिल गए, अब हम अपने जोन तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लोग खोल ला स्कूटर का और अपनी चढ़ने की तरफ वापस बढ़ लिया।
देवरा अभी उठा रहा था गाड़ी, काली चूत का भूत। फुटेज में आने के लिए आदमी क्या का काम करे यार, अभी चोट लगने से बच गई भोसड़ी वाले के, और कैंट रोड पे ठहरा गाड़ी को। आर्मी वाले गांड पे लात मारा है, ना कि वे धमकाते।